हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे। वीवो का जो वी सीरीज है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है, और ऐसे में दोस्तों वीवो V23 सीरीज के रिगार्डिंग लीक्स आना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि वियतनाम में नवंबर के स्टार्टिंग में लॉन्च हो सकता है। अभी के लिए दोस्तों एक स्मार्टफोन कन्फर्म हो चुका है, वीवो V23e। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो लीक हो गया है दोस्तों, जिससे इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन, इवन प्राइस भी सामने आ चुका है, जो आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में दोस्तों आपसे बात करने वाला हूँ वीवो V23e स्मार्टफोन के डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन के बारे में, इंडिया में कब तक और किस प्राइस पे लॉन्च हो सकता है, ये सारी चीज़ों पे आगे आपके साथ वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो वीवो V23e स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। ग्लास बॉडी के साथ आता है, ग्रिड इन फिनिशिंग आपको देखने को मिलता है, और जो फ्रेम है दोस्तों आपके यहाँ पर प्लास्टिक का मिलने वाला है। बॉटम साइड में दोस्तों आपको 3.5mm जैक नहीं दिया गया है, बॉक्स में आपको डोंगल मिल जाएगा टाप से पोर्ट टू 3.5mm जैक के लिए। रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया, LED फ्लैश लाइट आपको मिलता है। फ्रंट साइड में दोस्तों वाटर ड्रॉप नॉज डिज़ाइन के साथ आता है। डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको 6.44 इंच का आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है, विद फुल HD प्लस रेजुलेशन के साथ आएगा। मुझे लगता है दोस्तों कि आपको यहाँ पर 60Hz रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट मिलने वाला है, हाइयर रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। वीवो का स्मार्टफोन है दोस्तों, इसके लिए बोल रहा हूँ। सेम दोस्तों वाटर ड्रॉप नॉज डिज़ाइन के साथ आता है। फ्रंट साइड में दोस्तों कौन सा प्रोडक्शन यूज किया जाएगा इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको फेस अनलॉक का फीचर्स मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में, तो रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया, एक LED फ्लैश लाइट आपको मिलता है। जो प्राइमरी सेंसर है दोस्तों आपको 64MP का दिया गया है, साथ में आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2MP का आपको मैक्रो लेंस दिया गया है। जहाँ से मैं बात करूँ दोस्तों सेल्फी कैमरा के बारे में, तो वाटर ड्रॉप नॉच में आपको 50MP का मिलने वाला है। जहाँ दोस्तों वीवो V21 सीरीज से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा में देखने को मिलेगा। बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको 4000mAh का दिया गया, 44W फास्टिंग सपोर्ट के साथ आता है, और बॉक्स में आपको 44W का चार्जर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो इसके बारे में दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वीवो V23e स्मार्टफोन में कौन सा प्रोसेसर यूज किया जाएगा। अभी के लिए दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आने वाले टाइम में दोस्तों अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा प्रोसेसर के रिगार्डिंग, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एक वेरिएंट दोस्तों कन्फर्म बताया जा रहा है, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। इसके अलावा दोस्तों आपको अप टू 4GB वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिलने वाला है। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, जहां पर आपको कस्टमाइज किया गया फन टच OS 12 के साथ। रफ़ाइल दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस और इंडिया लॉन्च डेट के बारे में, तो वीवो V23e स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट होगा 8GB 128GB, बताया जा रहा है दोस्तों कि वियतनाम में तकरीबन 32,700 रुपये का प्राइस पे लॉन्च हो सकता है। जी हाँ, अभी के लिए वियतनाम का प्राइस लीक हुआ है, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि इंडिया में जब भी यह स्मार्टफोन आएगा दोस्तों, अराउंड 25,000 रुपये के आसपास में आना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे दोस्तों प्राइस डिपेंड करेगा प्रोसेसर पे भी, कि कौन सा प्रोसेसर के साथ आने वाला है। इंडिया लॉन्च डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वियतनाम में नवंबर के स्टार्टिंग मंथ में ही लॉन्च होने वाला है। मे भी दोस्तों नवंबर के फर्स्ट वीक में ही वियतनाम में आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया लॉन्च डेट की रिगार्डिंग अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं कि इंडिया में कब तक एग्जैक्टली यह स्मार्टफोन आने वाला है, लेकिन उम्मीद कर सकते हो दोस्तों कि आपको दिसंबर एंड तक यह स्मार्टफोन इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों आगे आने वाले टाइम में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा इसी वीवो V23e स्मार्टफोन के रिगार्डिंग, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।